नए साल की खुशी सब परिवार मनाने सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। लोगों ने यहां भरपूर एंजॉय किया, साथ ही अधिकांश लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते मिले। वर्ष 2022 की खुशी का सब परिवार आनंद लेने घूमने फिरने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2022 को लोगों का तांता शहर के विभिन्न पार्कों, धार्मिक स्थलों आदि में लगा रहा। इसी कड़ी में सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में विभिन्न स्थानों से आई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह पार्क खुलने से लेकर रात बंद होने तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। लोगों की भीड़ से पार्क में मेले सा माहौल नजर आया। वहीं पार्क आए अधिकांश लोग बिना मास्क के देखे गए, किसी का भी चेहरा मास्क से नहीं ढका हुआ था। वहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ते भी नजर आईं। कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते अधिकांश लोग नहीं देखे गए। मास्क नहीं लगाए जाने के सवाल को लोगों ने मुस्कुराकर टाल दिया। शाम 7 बजे शुरू हुए रंगीन फव्वारे का आनंद भी सभी ने भरपूर लिया। मैं दिल्ली से आया हूँ, शहीद नगर से घूमने के। नए साल के मौके पर ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। जिले में पहली ऐसी एक फैसिलिटी मिली हुई है, इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, इसलिए पूरी फैमिली के साथ में मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, पूरी फैमिली को लेके न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ, बहुत मस्त माहौल भी है यहाँ का। बहुत सालों के बाद, 2 साल के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर आने का मौका मिला है। नहीं तो कोरोना काल में तो सब घर ही में बंद थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्री फ्री माइंड, बहुत मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। मास्क लगाइए दोबारा, लॉकडाउन जिसको लगवाना वो ना लगाए मास्क, जिसको दोबारा लॉकडाउन ना लगवाना वो मास्क लगाए प्लीज़। तो हम मौजूद हैं सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में। आज नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2022। आप देख सकते हैं इस पूरे पार्क परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना आज सवेरे से जारी है। लोग अपने परिवार साथ आ रहे हैं और भिलाई की इस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से यहाँ स्थापित हुआ है, उसका लाभ उठा रहे हैं लोग। आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यहाँ पे एक चीज़ ये देखी जा रही है, हमारे द्वारा इस चीज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी ये देखा जा रहा है कि इस पार्क में चूँकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कोरोना और जो ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से जो केंद्र और राज्य सरकार की जो पहल है वहाँ उसका कुछ खास असर नज़र होते हैं नहीं आ रहा है। ज़्यादातर कहें या 99% लोगों द्वारा यहाँ पे मास्क का प्रयोग नहीं किया गया है। सब बिंदास है लोग, ना ही मास्क को जागरूकता को लेकर के किसी तरह का कोई प्रबंध किया गया किसी भी विभाग की ओर से, ताकि लोग आए उन्हें ये कोरोना को लेकर किसी तरह से जागरूक किया जाए। लोग आ रहे हैं लेकिन मास्क किसी के पास नहीं। हमारे द्वारा इस बाबत लोगों से सवाल भी पूछा गया, लेकिन उनके द्वारा हमारे सवाल का जवाब को हंस करके टाल दिया गया, क्योंकि अभी भी लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। लगातार पूरे भारत ही नहीं, भारत के साथ ही साथ पूरे विभिन्न प्रदेशों के साथ दुर्ग जिले में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनज़र लोगों को जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। वो लोगों में स्वयं अपनी जागरूकता का परिचय लोगों को दिए जाने की ज़रूरत है। हालांकि लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कमे बस ये ऐसी स्थिति, एंजॉयमेंट की स्थिति लगातार इस पार्क में बनी रहेगी। बस जागरूकता की ही कमी देखी जा रही है, इसके लिए भी भिलाई निगम नगर निगम को प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। जैसा कि भिलाई नगर निगम द्वारा पूर्व मैत्रीबाग से लेकर के अन्य सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में लोगों को जागरूक करने विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी यहाँ पे भी जरूरत महसूस की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।